नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सीड्स के बारे में। सीड्स, ठीक है, ये अगेन क्लास 5th का है और साइंस का है, CBSE और NCERT के हिसाब से। बच्चों, सीड्स क्या होता है आपको पता है? सीड्स होते हैं बीज, छोटे छोटे, क्या कहें इनको, छोटे छोटे से पत्थर से, छोटे छोटे से, जो कि अगर हम मिट्टी में डालें, अर्थ में डालें और उनको हम पानी दें और हवा दें तो वो निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे पौधे बन जाते हैं, और यही पौधे फिर बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो ये सीड्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि हम रात को चना भिगोते हैं, है ना, चना भिगोते हैं, अगर उसको पानी में रखें, बहुत देर तक पानी रखें, सपोज 1-2 दिन तक, तो उसमें स्प्राउट बन जाता है। वो चने चना जो होता है, इसका चना ऐसे होता है, उसमें एक ऐसा कुछ निकल जाता है ना, तो वो स्प्राउट, वही बीज बन जाता है। ठीक है, तो वो बहुत पौष्टिक होता है और टेस्टी भी होता है, वो स्प्राउट्स हमें खाने चाहिए। तो ये, तो बच्चों, सीड्स जो मैंने आपको कहा कि इनको अर्थ चाहिए, मिट्टी चाहिए, है ना, पानी चाहिए और हवा चाहिए, ताकि ये बढ़ सके, पौधे बन सके, ऐसे ही पेड़ बन सके। जैसे कि ये सीड भी आप जैसे ही है, जैसे आप बच्चे हो, अभी छोटे हो, है ना, अभी आप छोटे हो, फिर आप थोड़े बड़े बन जाओगे, फिर और बड़े बन जाओगे, एडल्ट बन जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये सीड भी है। ये क्या बनेंगे, जो एक पहले तो एक स्प्राउट टाइप का बनेंगे, फिर बनेंगे छोटा सा पौधा, और फिर बनेंगे ये बड़ा सा पेड़। जैसे इस सीड को वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आप लोगों को खाने की ज़रूरत होती है ना, एयर की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, और आप बड़े बन जाते हो। तो ये चीज़ें आपको ताकत दे देते हैं और आप बड़े बन जाते हो। ऐसे ही सीड्स भी ग्रो करते हैं इसी तरीके से। आपको एक गमला लेना चाहिए, अगर आपको एक आपके घर में छोटा सा पार्क है या कुछ जगह है, तो उसमें सीड आपको एक डालना चाहिए इसमें गमले में, और उसको पानी डालना चाहिए, उसको ग्रो होते देखना चाहिए, उसको धूप में रखो, उसको देखो कि कैसे हो रहा है, कितना दिन लग रहा है, अगर आप चेंज कर रहे हो सीड को, कितना टाइम लग रहा है उसे सीड को, उस पौधा बनने में। तो ये एक्टिविटी करो बच्चों, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इससे आपको जीवन में बहुत कुछ समझ में आएगा। हर एक छोटी सी चीज़ इसी सीड से निकली हुई है, ये सीड ही जीवन का जो समरी टाइप की है। अब जैसे देखो, जानवरों में भी पहले छोटा सा बच्चा होता है, डॉगी का बच्चा होता है छोटा सा, फिर वो बड़ा बन जाता है, वैसे बड़ा बन जाता है, उसको भी चीज़ें हो चाहिए होती हैं बहुत सारी, जो कि वो बड़ा हो जाए। ऐसे ही ये सीड भी है। अगर इस सीड को पोषण नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, अर्थ नहीं मिलता है, तो ये ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो ये ग्रो कभी नहीं करेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा बच्चा, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड के ग्रो करते हैं। ठीक है, वो किन से ग्रो करते हैं? वो कभी कभी अपनी ही डाली से ब्रांच, एक ब्रांच हो, वो ब्रांच हम मिट्टी में डाल देते हैं, उस पर पानी डाल देते हैं, तो और सनलाइट होती है और एयर मिलती है उसे, तो वो एक ट्री बन जाता है या प्लांट बन जाता है, तो उन्हें सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा बच्चा, एक और चीज़ है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, प्लांट्स विच हंट या ईट इंसेक्ट्स, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। तो एक ऐसा ही प्लांट है जो कि इसके ऊपर ये ढक्कन सा होता है, एक फनल सी बनी होती है इस प्लांट के, ये क्या करता है,
ये खाता है छोटे छोटे, सॉरी, ये छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, ठीक है, ये इंसेक्ट है। इस प्लांट का नाम है एक पिचर प्लांट, ये इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मेघालय में पाया जाता है, मेघालय इंडिया में, हमारे देश में भी पाया जाता है। जब भी इसकी एक स्मेल होती है, जब भी एक वो अट्रैक्ट करती है कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, वो जब वो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं इसमें, तो ये ढक्कन बंद कर देता है और उसे खा जाता है। तो ऐसे भी प्लांट होते हैं। अच्छा बच्चों, सीड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग पौधे मिलते हैं जो खुद ही ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग फूल पाए जाते हैं और बहुत सारे प्लांट खुद ही ग्रो करते हैं, हमें ग्रो नहीं करवाते हैं। या जंगल्स बनते हैं, खुद जंगल बन जाते हैं, या प्लांट्स फ्लावर्स ग्रो करते हैं ऑटोमेटिकली। ये कैसे होता है? ऑटोमेटिकली ये कैसे होता है? क्योंकि जो सीड्स होते हैं, ये थ्रू एयर, थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू एनिमल्स, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे जूते में कुछ सीड लग गया, तो वो हम जहाँ दूसरी जगह जाएंगे वो सीड वहाँ गिर गया तो वहाँ बन जाता है। जैसे हवा चल गई तो ये बहुत सारे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ वो प्लांट, उसको अगर अर्थ मिल गया, वाटर मिल गया, तो वो बन जाता है प्लांट। तो ये सीड जो है एक इधर से उधर चला जाता है, घूमता रहता है, और ऐसे ही बहुत सारे जगह, अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स बन जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ है, ये सीड आइडियाज़ की तरह होते हैं। जैसे मैंने ये सीड जो है बेसिक नेचर बताता है कि शुरू से कैसे छोटी छोटी चीज़ आगे बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास कोई आइडिया है किसी काम करने का, तो उस आइडिया को हमें क्या करना पड़ेगा? वही, जैसे हमें सीड को वाटर, अर्थ और एयर चाहिए होती है, वैसे ही हमारे आइडिया को भी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, उसे भी मतलब हमारा काम चाहिए होता है, हार्डवर्क चाहिए होगा उस आइडिया को पूरा करने के लिए, हो सकता है कुछ मनी भी चाहिए हो उसको करने के लिए, हो सकता है कुछ और चीज़ें लगे, ताकि वो आइडिया होके कुछ बनाए, वो आइडिया मटेरियलाइज हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप सोचिए और प्लांट्स को ग्रो होते देखिए, प्लांट्स को, सीड्स को प्लांट कीजिए। घर में अगर आपके मनी प्लांट है तो उसको देखिए, मनी प्लांट को ऐसे धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर वैसे जनरली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी प्लीज़ वेबसाइट पे आप विज़िट कीजिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पे लाइक कीजिए, और हमारे ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।